स्वास्थ्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एंड होटल्स, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इतने व्यस्त समय में अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। आज का उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि जैसे आप बड़ी भांति जानते हैं, केंद्र सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से स्वच्छ अभियान के ऊपर बड़ा एक फोकस किया जा रहा है। उसी सिलसिले में पॉलीथीन के ऊपर बहुत से लोगों के अलग अलग किस्म के विचारधाराएं आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके तहत ये है कि ये जो कैरी बैग है, जिसको आपने देखा है, इस टाइप का जो कैरी बैग है, ये 120 माइक्रॉन का अलाउ किया है और उसके बजाय जो पैकिंग मटेरियल होता है वो 50 माइक्रॉन का उन्होंने इसको मतलब अलाउ किया है, जो कि आज मार्केट में बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुई और जितने भी एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस जो है वो दिन ब दिन आ रहा है। उसके साथ साथ एक नया प्रोडक्ट जो है कंपोजेबल बैग का आया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमने उसके ऊपर काफ़ी कई टाइम हो गया, सालों साल हो गए हमने उसके ऊपर स्टडी करते हुए। ये लिफाफा जो है, इस लिफाफे की जो लाइफ है वो 6 महीने की लाइफ है। 6 महीने के बाद ये लिफाफा, इसकी दिन ब दिन लाइफ जो है 3 महीने के बाद कम होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिफाफा जब मिट्टी में मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाता है। मतलब जैसे वो जो प्लास्टिक का लिफाफा है वो फर्टिलाइज़र नहीं बनता है, वो ऐसे ही रह जाता है। और इसके टेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा जो है वो हम आपको बताते हैं। ले आइए जी, वो केमिकल ले आना है। ओ भाई, बैग है ये, केमिकल में जो ही पड़ेगा जाया हो जाएगा। और प्लास्टिक का लिफाफे का पीस, ये जो प्लास्टिक का लिफाफा है, जब इसको डालेंगे तो ये कितना भी टाइम रहेगा ये बिल्कुल जाया नहीं होगा। सेम केमिकल है, प्रोडक्ट अलग अलग हैं, लेकिन ये आपके सामने है, ये वैसे का वैसा रहेगा। और ये जो कंपोस्टेबल जो है, ये एक मिनट से पहले इसको जो है ये डिलीट हो जाता है। ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। ये कोई भी आदमी मार्केट में इस केमिकल को रख के उसको जो बेचने वाला है उसे ये चेक कर सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। हालांकि ये सब सीक्रेट चीज़ें हैं, लेकिन हमने फिर भी आपके सामने ये रखा है। जैसे कि आपको पता है, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में हम पिछले एक दशक से सुनते आ रहे हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन से होने वाले कितने नुकसान हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव हुए हैं, हमारी तरफ से जितनी भी इन्वेंशंस हैं, तो वो आज को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। तो हमारी कंपनी का नाम है ट्रैक मार्क इंटरनेशनल। ये हमने इस काम को करीब 2004 से शुरू किया था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर आया था, अभी सरकार को प्लास्टिक के बारे में सोचना चाहिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, जैसे आजकल इनिशिएटिव लेते हैं गाड़ियों के पोल्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, ऐसे ही 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अभी आने वाले समय में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत डेंजरस होने वाला है, इसके ऊपर काम किया जाए। तो उस समय मैं कोरिया में हुआ करता था, तो वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट मेरे दोस्त थे, हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर ही रहे थे। तो 2009 में ही हमने इसकी ना इंट्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्ट्स हमने बना चुके थे, तो एक इंट्रोडक्शन हमने इंडिया में उसी समय दे दी थी। उसका बेनिफिट ये मिला कि गवर्नमेंट को इस बात का पता लग गया था कि ऑलरेडी लोगों ने इसकी तैयारी कर रखी है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करने के लिए एक SOP बनाने के लिए, इसके लॉ बनाने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो वो सारा उनको पोल्यूशन बोर्ड को उनको ड्यूटी लगाई। पोल्यूशन बोर्ड ने इसके ऊपर 3 साल की रिसर्च करने के बाद जितने भी वर्ल्ड के लॉ थे इसके ऊपर उसको इकट्ठा करके स्टडी करके, तो इन्होंने एक SOP बनाया था 2015 में। और 2016 में एक हमारी CPET लैब है,
सेंट्रल प्लास्टिक इंस्टीट्यूट इन चेन्नई, उसी बट की लैब में पहली टेस्टिंग की मशीन आई थी भी इसको कैसे टेस्ट किया जाए। वो टेस्ट करने का मेथड भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, वर्ल्ड के जितने स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड हैं अमेरिका में या जितने भी यूरोपियन कंट्री में ये उसी स्टैंडर्ड के हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए पहली लैब हुई थी 2016 में, इंस्टॉल उनके पास पहली मशीनें आई। तो 2016 में ही हमने उसके हमारे पास तो प्रोडक्ट इसका सारा इन्वेंशन तैयार ही थी, तो उस प्रोडक्ट को हमने उसको टेस्ट के लिए डाला। उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है करीब करीब 9 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने का इसका रनिंग टेस्ट होता है जिसमें इसमें मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र बनता है या नहीं बनता उसका टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगले 3 महीने उस सॉइल में पौधे उगा के भी देखे जाते हैं भी क्या ये सचमुच में सॉइल बना या नहीं, उसमें कंपोस्ट हुआ है, फर्टिलाइज़र बना है। वो टेस्ट होने के बाद 9 महीने के बाद इसकी एक रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट में ये प्रूव होना चाहिए विद इन 180 डेज ये 90% कंपोस्ट होना चाहिए। तो ये इनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड है इंडिया गवर्नमेंट का, तो स्टैंडर्ड का नाम है ISO 17088। तो ये स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सारे हमारी कंपनी टेस्ट कराए, तो हमारा ये 80 डेज में ही अपना 180 डेज का विद इन 100 डेज में 85% हो गया था। तो ये बट उनका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के हिसाब से वो अपना टाइम कंज्यूमिंग पूरा लेते हैं। तो उस टेस्ट के बाद फिर ये रिपोर्ट जाती है पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, उसके बाद इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद ही फिर इसकी प्रोडक्शन हमारी 2016-17 में हमारी इस प्रोडक्शन हमने स्टार्ट की थी। तो पहला प्लांट हमारा पंचकूला में था, उसके बाद हमने चेन्नई में, अहमदाबाद में और दिल्ली में हमारा इसका वर्किंग चलती है, तो वहाँ हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट है। तो अभी आपका ये जम्मू प्रशासन ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। तो अपना शास्त्री जी से पहले हमारी बहुत बार बात होती रहती थी इसके बारे में, तो क्योंकि ये लोग पोल्यूशन बोर्ड से कॉन्टैक्ट करते थे, पोल्यूशन बोर्ड से हमारा रेफरेंस इनको मिलता था, तो हमारी उनसे करीब करीब पिछले 2-3 साल से बातचीत चल रही थी। लेकिन जम्मू प्रशासन ने अभी इनिशिएटिव लिया है, तो हमने फिर डिसीजन लिया था अभी यहाँ इसको लॉन्च करना है और यहाँ पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट करनी है। तो ऑलरेडी प्रोडक्शन के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है यहाँ पर, वो पोल्यूशन बोर्ड का एक प्रोसेस है, पहले सिटी लेना होता है, सिटी ओ लेना होता है, तो वो अप्लाई कर चुके हैं। जैसे ही परमिशन आएगी तो यहाँ भी इसकी प्रोडक्शन सारी स्टार्ट हो जाएगी फुल फ्लैश, तो आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी किसी प्रोडक्शन में। तो पहले ये था कि हमारा ये प्रोडक्ट महंगा भी बहुत होता था एज ए कंपेरिजन टू प्लास्टिक, वो उसको हमें करीब इसको सस्ता करने में हमें करीब 3 साल लग गए इसमें और इन्वेंशन करते करते एज पर इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो आज की डेट में अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना प्लास्टिक से, प्लास्टिक का बैग अगर हमको 3 रुपये का कॉस्ट करता है तो हमारा ये 2.5 रुपये का कॉस्ट करता है, क्योंकि वो 120 माइक्रोन है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर माइक्रोन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये कंपोस्ट होता है, तो वो हवा में उड़ता है तो पकड़ा नहीं जाता, तो कलेक्शन हो ईजिली हो इसलिए माइक्रोन उसके बढ़ाए गए। बट हमारे ऊपर माइक्रोन इसके ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी को टच करता है तो ये कंपोस्ट होना शुरू हो जाता है। वैसे तो 180 डेज का टाइम होता है, बट ये कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि विद इन 2 or 3 months में भी ये ख़त्म हो जाता है, कभी रेन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी कंपोस्ट होता है। तो बाकी प्रोडक्ट में इसमें हमारे पास और भी बहुत सारी इन्वेंशन है, ये नहीं सिर्फ कि प्लास्टिक को लेके हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे जीवन में 16 आर्टिकल